स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो क्लास सिक्स, आज आपका सब्जेक्ट है हिंदी, यानी कि हिंदी व्याकरण। तो अपनी ओपन कीजिए हिंदी व्याकरण की बुक और इसका आज हम करेंगे चैप्टर नंबर टू। तो बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर एट ओपन करेंगे और पेज नंबर एट पर है आपका पार्ट दो, अध्याय दो, वर्ण विचार। तो यहाँ पर आप वर्णों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपने लेसन को। यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाषा का उच्चारण ध्वनि से होता है। ध्वनियां जो हैं उससे हम अपनी भाषा का उच्चारण करते हैं, भाषा बोल पाते हैं। ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और उन चिन्हों को क्या कहते हैं? वर्ण। जो भी हम ध्वनि लिखना चाहते हैं उन्हें हम चिन्हों की सहायता से लिखते हैं और इन चिन्हों को कहते हैं वर्ण। तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि इतनी छोटी इकाई है जिसे हम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। वर्ण यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको वर्णमाला के बारे में बताया गया है कि वर्णमाला में किस किस तरीके से और कितने कितने वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उन वर्णों के क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जब भाषा बोलने में वर्णों का जो हम प्रयोग करते हैं और उन वर्णों को जब क्रम से व्यवस्थित किया जाता है तो उससे बनती है वर्णमाला, उसे हम बोलते हैं वर्णमाला। हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, यानी कि 52 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 3 अयोगवाह अनुनासिक हैं, 2 विशेष वर्ण हैं और 3 आगत वर्ण हैं। तो आपको यहाँ ये लर्न करना है कि 52 वर्ण में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं और बाकी ये सब जो एक्स्ट्रा हैं ये कितने कितने और इनको क्या क्या कहते हैं, ये आप अच्छे से रीड करेंगे एक बार। यहाँ पर आपको इनकी जो बताया गया है कि अन्य आगत वर्ण भी होते हैं। इनकी ये जो हमारी 52 वर्ण हैं, इनके अलावा जो यूज किए जाते हैं वर्ण उनको भी यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि जो आ और ओ है ये मध्य की ध्वनि देते हैं, लेकिन इनके बीच का भी एक वर्ण होता है जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ए आ और उसके ऊपर ऐसा। ये जो चंद्र बिंदु नहीं होता है, सिर्फ ऐसे इसकी तरह हम लिखते हैं। तो ये आप देखते हैं कि कहाँ पर यूज होता है। जैसे कि ये अ की आवाज देता है, आ और ओ के बीच की आवाज, जैसे कि डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिसर। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा वर्ण है ये यूज किया जाता है। इस तरीके से आगे चलते हैं। यहाँ पर है वर्ण भेद। अब यहाँ पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर हमारे आपने ऊपर पढ़ा था कितने होते हैं? 11। जिन वर्णों का उच्चारण समय मुख से निकलने वाली वायु बिना रुकावट के बाहर आ जाती है। जब हम जिन वर्णों को बोलते हैं और मुंह से उनकी जो आवाज है वो बिना रुके बाहर आती है तो उन्हें कहते हैं स्वर। ये 12 स्वर हैं और कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको दिया गया है। वैसे तो आपने ऊपर पढ़ा था 11 होते हैं, लेकिन जो ये वाला वर्ण है इसको भी स्वर में ही काउंट किया जाता है। अब इसको स्वर में ही स्थान दे दिया गया है, तो इसलिए जो हमारे स्वर हो गए हैं वो कितने हो गए हैं? 12। तो ये वाले जो स्वर हैं ये आप लर्न करेंगे कि कौन कौन से हमारे स्वर होते हैं। आगे आपका स्वरों के प्रकार बताए गए हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिन स्वर का उच्चारण सबसे कम समय में होता है, जिन स्वरों को बोलने में हमें बिल्कुल कम समय लगता है उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। और ये कितने स्वर हैं? 4 हैं ये। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4, अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर हैं आपके, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है। यानी कि ह्रस्व स्वर से ज्यादा टाइम जिनको लगता है बोलने में वो होते हैं दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर आपके 8 हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, अ, ओ, औ और ओ। ठीक है बच्चों, ये किसकी आवाज देता है? ओ की। अभी हमने पढ़ा था ना, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, उसमें ये यूज होता है, ये वाला जो हमारा स्वर है। आगे आपके स्वर की मात्रा के चिन्ह। तो स्वर के मात्रा चिन्ह निश्चित होते हैं। स्वरों की जो मात्राएं होती हैं उनके जो चिन्ह है वो निश्चित हैं। इन चिन्हों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है। यानी कि जो स्वर की मात्राएं होती हैं, जो स्वर की मात्रा के चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है। यदि हम व्यंजनों को स्वर के बिना लिखते हैं, स्वर रहित लिखते हैं, तो वो आधे होते हैं, व्यंजन स्वयं में आधे होते हैं। यानी कि व्यंजनों को स्वर की सहायता के बिना नहीं लिखा जा सकता है, यही इसमें आपको बताया गया है।
इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जा सकता है। इनके साथ स्वर मात्राओं के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब आपने बेटा स्वर कंप्लीट किया, अब आता है आपका व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है, यानी कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं और ऐसे वर्ण जिनको रुकावट के साथ बोला जाता है, हवा जो है वो रुकावट के साथ हमारे मुख से बाहर निकलती है, उनको हम कहते हैं व्यंजन। और व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि स्वर को बोलने में तो कम समय लगता है और उनके साथ जो है जो मुख से आवाज निकलती है वो भी बिना रुके निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, उतिक्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये चार प्रकार के आपके व्यंजन होते हैं। जैसे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। तो इनकी जो डिटेल्स हैं ये आप एक बार रीड करेंगे कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, उतिक्षिप्त व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं और ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है जैसे कि श, श, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन है। तो इस तरीके से हमारे व्यंजन कंप्लीट। अब यहाँ पर आपको कुछ अन्य प्रमुख ध्वनियां दी गई हैं, जैसे कि अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या है? अंग, अ, अंग ऐसी ध्वनियां हैं जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन। जैसे कि आप जानते हैं ना, आपकी जो वर्णमाला उसमें आपने ये जो वर्ण है ये देखे होंगे, ये अने खाली है, इसी तरीके से ये सभी इसी तरीके के होते हैं, लेकिन ये तो ना तो ये स्वर में गिने जाते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है जो योग न होने पर भी साथ रहे, यानी कि जिसका कोई एडिंग ना हो, जिसको जो योग में ना हो, दिखाई ना दे हमें, लेकिन वो तब भी साथ रहे, इसी तरीके के ये वर्ण हैं। तो इनके बारे में और जानते हैं, जैसे कि ये क्या क्या है। अनुस्वार क्या होते हैं? ये हमारे जो ये हमारा ए के ऊपर अंक की बिंदी होती है, इसका जो चिन्ह होता है, बिंदी जो हमारी ऊपर लगती है, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। इसको ये अनुस्वार कहलाता है। इसका उच्चारण नाक से होता है, क्योंकि ये अंग न की आवाज देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हंस, हंस में जो ऊपर बिंदी लगी है ये क्या है? अनुस्वार। इसी तरह से वंश, वंश में जो ऊपर डॉट हम बिंदी लगाते हैं ऊपर, क्या है ये? अनुस्वार। इसको आप क्या बोलेंगे? अनुस्वार। नेक्स्ट है आपका विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? ए जब हम लिखते हैं और ए के आगे इस तरीके से दो बिंदी लगाते हैं तो ये हमारी होती है विसर्ग। और ये किस चीज की आवाज देती है? ये जो ये विसर्ग जो है ये हमारा देता है की आवाज, जैसे कि प्रातः, अतः। तो ये जो दो बिंदी हम आगे लगाते हैं अपने किसी शब्द के आगे, ये हमारा होता है विसर्ग। अब आपका आता है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? जब ए के ऊपर आप चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ये जो ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ये जो चंद्र बिंदु है, इसका जो साइन है, ये इसका चिन्ह है, इसको हम बोलते हैं अनुनासिक। जब भी हम किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु यूज करते हैं तो इसका ये होता है अनुनासिक। इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे कि मुंह, मुंह के ऊपर चंद्र बिंदु आता है। आंगन, इसी तरह से ऊपर चंद्र बिंदु जो ये लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं अनुनासिक। तो यहाँ पर आपने तीन चीजें सीखी, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। नेक्स्ट है आपका र। संयुक्त र के प्रचलित रूप। आपने र देखा होगा, एक र ये होता है जो हम अपना वर्ण लिखते हैं और एक र की जो है मात्रा जैसा होता है, जैसे कि एक र हम इस तरीके से किसी वर्ण के ऊपर छोटा सा ऐसे ऊपर लगा देते हैं, इसी तरीके से एक र होता है जब हम आ के डंडे के नीचे उसे लगाते हैं, ये भी हमारा र है। और एक र होता है जब हम उसे किसी वर्ण के नीचे इस तरीके से लगाते हैं, ये ठीक है बच्चों। तो ये हमारे तीन र होते हैं जो हम यूज करते हैं, इनका संयुक्त रूप है, र का ये संयुक्त रूप है। जैसे कि कर्म, कर्म में जो मैं पे ऊपर र लगा हुआ है, के बाद जो हमें र लिखना था वो हमने मैं के ऊपर लगाया है, तो ये हमारा कर्म। इस तरीके से कि र की मात्रा है, र है, ये र का रूप है। इसी तरह से कार्य, कार्य पर भी यही वाला र यूज हुआ है। नेक्स्ट है आपका, ये था आपका कर्म और ये है क्रम। कैसे? र क्रम। तो यहाँ पर आप नीचे र लगाएंगे कै, और कै के नीचे आप इस तरीके से डंडा लगाकर र बना देंगे। एक आप देखते हैं इस तरीके से हमारा राष्ट्र, राष्ट्र में जो र यूज हुआ है वो टै के नीचे आप इस तरीके से बनाते हैं। तो ये र के तीन रूप होते हैं, र इन तीनों रूपों में संयुक्त रूप में यूज किया जाता है।
और ये किस तरीके से बनता है, तो आप यहाँ पर इसे रीड करेंगे। एक आपका होता है हलंत। तो हलंत का चिन्ह आप जानते हैं कैसा होता है, जब हम कोई वर्ण लिखते हैं और उसके नीचे इधर राइट साइड की तरफ एक डंडा लगा देते हैं छोटा सा नीचे, तो ये हमारा होता है हलंत। इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, व्यंजन के नीचे। जिस व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता वहां हलंत का चिन्ह लगाकर उसे स्पष्ट किया जाता है। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं व्यंजन जो है वो स्वरों की मदद से ही लिखे जाते हैं, तो जिस व्यंजन में स्वर यूज नहीं होता है वहां हम हलंत का चिन्ह लगाकर उसे लिखते हैं। जैसे कि अद्भुत, उद्घाटन, तो जो द में नीचे ये जो डंडा लगा हुआ है ये हमारा क्या है, हलंत है। अब आपके आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जब ऐसे व्यंजन जो दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि आप के के नीचे हलंत है और से षटकोण, ये दोनों मिलकर आप क्या बनाएंगे, आपका छह छत्रियां बनाते हैं, जिससे कि हमारा वर्ड बनता है क्षमा या कक्षा। तो इस तरीके से जो दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये जो संयुक्त व्यंजन है ये आपका कंप्लीट होता है। अब आपका है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या होता है, जब कोई व्यंजन अपने जैसे समरूप व्यंजन से मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क है, क के नीचे हलंत लगा हुआ है और ये जो इसके साथ मिल रहा है ये भी क्या है, क है। तो क और क जब मिले तो ये दोनों मिलकर बने आधा क और पूरा क, जिससे कि हमारा जो शब्द बन सकता है क्या क्या बन सकता है, पक्का या मक्का। यानी कि जब दो एक जैसे व्यंजन आपस में मिलकर द्वित्व बनाते हैं तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। यहाँ पर इनका डबल हो रहा है ना, तो इसलिए द्वित्व का मतलब है डबल। तो इस तरीके से जो भी हमारे वर्ड हैं वो द्वित्व व्यंजन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है आपका संयोग। दो व्यंजनों के मिलने पर जहाँ द्वित्व नहीं होता है वहां क्या होता है, संयोग होता है। जहां पर दो व्यंजन मिल रहे हैं और वहां पर उनका डबल नहीं बन रहा है, द्वित्व नहीं बन रहा है, जैसे कि क और ख है, तो इससे क्या बन रहा है, आधा क और ख। जबकि जो द्वित्व है उसमें क्या बनता है, क और पूरा, आधा क और पूरा क, एक जैसे बनते हैं दोनों, तो ये द्वित्व नहीं है। तो जो द्वित्व नहीं होता है वो होता है संयोग। तो जैसे कि आप इससे बना सकते हैं मक्खी, मक्खन, लठ, मठा, इस तरीके के जो हमारे व्यंजन होते हैं संयोग। अब आपका आता है वर्ण विच्छेद। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग किया जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जो हमारे शब्द होते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है भारत, तो भारत में जब हम सारे वर्णों को अलग अलग करके लिखेंगे तो वो होगा वर्ण विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है बिखरना, अलग अलग करना। तो वर्णों को जब अलग अलग करके लिखेंगे तो वो हमारा बनेगा वर्ण विच्छेद। तो भारत में जो भ है हमारा वो व्यंजन है, तो भ के साथ लेकिन कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, आ। तो भ आ, आगे आता है आपका रे, रे आपका व्यंजन है, रे के साथ कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, ए। तो रे ए प्लस ते, ते आपका व्यंजन है, ते के साथ कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, ए। क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती, तो जिस व्यंजन के साथ कोई भी मात्रा नहीं होती उसके साथ ए जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से आप इसे ब्रेक करके लिखेंगे, भ प्लस आ प्लस रे प्लस ए प्लस ते प्लस ए। इसी तरीके से आप सारे वर्ड्स को एक बार रीड करेंगे, सारे शब्द जो ये दिए गए हैं इनको वर्ण विच्छेद करेंगे और एक बार इनको अच्छे से रीड करेंगे। इस लेसन का जो एक्सरसाइज वर्क है वो आपको फोटोग्राफ सेंड कर दी जाएगी। आपको सारा वर्क अपनी बुक में फिल करना है, जितना भी एक्सरसाइज वर्क है इस तरीके से आपको पूरा बुक में फिल करना है। और इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो प्रश्न उत्तर हैं, उनकी भी आपको फोटोग्राफ सेंड कर दी जाएगी। वो आपको अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में नोट करने हैं। और ये सारा वर्क आपको अच्छे से लर्न कर, पहले रीड करना है और फिर अच्छे से लर्न करना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।